जो राक्षस आपको चाहिए था उसे आपके कदमों में डाल दिया है। मैं तुम्हें जितना काबिल समझता था तुम उससे भी ज्यादा काबिल निकले। थैंक्स रवि। अब इस क्रिमिनल का क्या करना है सर? ये क्रिमिनल नहीं है रवि। मैंने जो कहानी सुनाई थी वो बिल्कुल सच्ची थी, बस कैरेक्टर बदल गए हैं। जो बलदेव मर चुका है वो मेरा भाई नहीं है, ये मेरा भाई है, मेरा भाई। धोखा? ए, जब तूने मेरे भाई को फोन किया तभी मैं समझ गया ये काम मेरे भाई का है। इसलिए सोचा वायलेंट होने के बजाय साइलेंट होना फायदेमंद होगा। माँ, ये रहा तुम्हारा गांगुली। वाह, क्या खेल रचा है आपने! इस प्यादे का कमाल का इस्तेमाल किया आपने। मेरे शतरंज के खेल में दोनों तरफ से मात होती है। वाह, क्या डायलॉग मारा है! शतरंज के दोनों राजा एक साथ, प्रजा की लग गई वाट। निकल चुकी है, अब आप गन हटा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। पहली बार किसी पुलिस वाले की जान बचाते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। लोगों को पुलिस को गाली देते सुना है, उनसे डरते सुना है, पर कोई पुलिस वाले से इतनी नफरत करता है ये तो फर्स्ट टाइम देखा। कौन है ये बलदेव सहाय? बलदेव सहाय को जानने से पहले यह जान लो कि कोलकाता को नर्क बनाने वाला था गांगुली भाई, और उसका भाई किशोर वर्धन। इन दोनों की ही वजह से शहर में क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और इन दोनों को शह देने वाला था इनका बड़ा भाई होम मिनिस्टर जयवर्धन। हे एसीपी, सुना है तुमने मेरे और मेरे भाइयों के खिलाफ एक लंबी सी फाइल तैयार कर रखी है। तूने क्या सोचा, तू हम लोगों को गिरफ्तार कर लेगा? लेकिन पहले अपनी बीवी की तरफ तो देख और सोच कि वो कौन बनेगा करोड़पति शो के हॉट सीट पर बैठी है। तो गीता जी, आपके लिए पहला सवाल, हमसे गुस्ताखी करने के लिए तुम्हारे पति को कौन सी सजा दी जाए? ऑप्शन ए, आप खुद अपने पति को गोली मारेंगी। ऑप्शन बी, मेरा आदमी आपकी औलाद को गोली मारेगा। कड़क ऑप्शन भैया। ए, शायद आज तू मुझे मार डाले, लेकिन एक दिन आएगा जब अपनी ड्यूटी के लिए जान देने वाला कोई ईमानदार ऑफिसर तुझे कुत्ते की बात मारेगा। सही कहा, लेकिन वो दिन लाने के लिए तुझे ऊपर जाना पड़ेगा। गीता जी, आप पहले काफी वक्त गंवा चुकी है, ऑप्शन बी को लॉक कर दूं क्या? गीता, शूट मी। वाह, नहीं मार सकती। मैंने कहा गोली चलाओ। मुझसे नहीं होगा। गीता, गोली चलाओ, चलाओ गोली, शूट मी। ये क्या छोटे, गेम में बिल्कुल मजा नहीं आया। दोनों खिलाड़ियों को मरने की जल्दी थी। सर, आपके लिए फोन। भैया, कोई अच्छी खबर? काम पूरा हो गया। ये रो कौन रहा है? एसीपी की अनाथ बेटी।
दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। काम पूरा कर दो, समझे? सर, राजीव कुंदन, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। मैंने आप दोनों के ट्रैक रिकॉर्ड चेक किए। आज तक आपने 62 गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रेड हैंडेड अरेस्ट किया। ब्रिलियंट। अगर वो 62 एक तरफ है तो मैं जिसकी बात करने जा रहा हूं वो दूसरी तरफ। उसका नाम है बलदेव सहाय। 7 साल हुए इसको इस सर्विस को ज्वाइन किए। 7 सालों में इसके किए हुए करप्शन की गिनती मोर देन 60 करोड़। व्हाट? एक एसीपी होके 60 करोड़ का करप्शन किया? रिपोर्ट्स के मुताबिक यही है, शायद उससे भी ज्यादा हो। 7 साल में उसके 12 ट्रांसफर्स हुए। रिमोट एरिया में भी ट्रांसफर हुआ, लेकिन करप्शन की रफ्तार थमी नहीं। करप्शन उसका पैशन है। ही इज वेरी ब्रिलियंट। अभी तक उसके यहाँ 6 बार रेड पड़ चुकी है, लेकिन कभी कुछ हाथ नहीं लगा। वी हैव टू एनी हाउ कैच हिम रेड हैंडेड। इसलिए मैं तुम लोगों को उसका असिस्टेंट बना रहा हूँ। इसके करप्शन का पैसा कहाँ कहाँ जाता है या कहाँ छुपाता है और इसके कौन कौन से बैंक में सीक्रेट अकाउंट्स हैं, ये पता चल जाए तो इसकी सजा पक्की है और ये सारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक सबक होगा। करेक्ट? यस सर। हमने बलदेव पर नजर रखनी शुरू ही की थी कि तभी एक दिन। वहीं रुक जाओ, ये पुलिस स्टेशन है, चंदा मांगना है तो कहीं और जाओ, चलो निकलो। पुलिस सिर्फ पैसा देती है, लेती नहीं। सही कहा ना? बिल्कुल नहीं लेती। मैं बलदेव सहाय का मामा हूँ। वैसे आप ये क्या कर रहे हैं? बात बहुत सिंपल है, लक्ष्मी जी की कृपा से नोट आते हैं और हर नोट पर गांधी जी की तस्वीर है, दोनों पास पास रहे तो अच्छा है। पंडित जी, यू कैरी ऑन। उससे अपनी नजर उतारना, गलती से उसका जूस निकाल कर पी मत जाना। जी जी, देखिए पूजा तो हो गई, बस अब पेमेंट हो जाए तो हम लोग निकल जाए। सॉरी, यहाँ पैसों की आउटगोइंग बंद है। कभी फ्रॉड के बाद जेल में इनकमिंग से बचना हो तो भांजे से कह के बेल दिलवा दूंगा। भांजे, पूजा इज कम्प्लीटेड, सब कुछ सेट है, अब ग्रैंड एंट्री करो। तुम्हारी आंखों में रिस्पेक्ट और सैल्यूट में सिंसियरिटी बिल्कुल नहीं है, कोई खास वजह है क्या? इन्होंने आज ही ज्वाइन किया है। तुम्हारा नाम की? वेंकट सर, इस एरिया का CI। वैसे मेरी आंखों में क्या दिख रहा है सर? नींद की कमी और अकल की भी। आज से ड्यूटी पर कम सोया करो। सर, प्रेस वाले आपका इंतजार कर रहे हैं, उनसे मिलेंगे तो आपकी फोटो फ्रंट पेज पर छपेगी। अगर सेलिब्रिटी बनना होता तो फ्रंट पेज पर नहीं, पेज 3 पर आता। भेज दो उन्हें वापस। हे वेंकट, मैं बार बार पुलिस स्टेशन आकर ये साइन वाइन नहीं कर सकता, अगली बार से तो अपने चमचों को मेरे पास भेजकर साइन करवा लेना। ये नए एसीपी है, तू निकल, मैं बात कर लूंगा। ये गुंडा इस पुलिस स्टेशन को अपने बाप का घर समझ रहा है क्या? रिमांड में ले साले को। जाने दीजिए ना सर। ए, तू डर क्यों रहा है बे? सुन एसीपी, इसे 25,000 देता हूँ, तू नई दुल्हन है इसलिए तुझे ज्यादा दूंगा, डबल, चलेगा ना? तो जिसका भी चमचा है, गांगुली हो या रंगोली, जाके बोल बलदेव सहाय ने कभी अपने थाने में रिश्वत नहीं ली है। कितनी बार कहा कि मुझे गलत जवाब पसंद नहीं, इसे तो पता नहीं था, पर तुझे तो सच पता है ना? बता जल्दी। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे छोड़ दीजिए। 10 साल से तुम साथ रहते हो, तुझे नहीं पता कि वो कहाँ है? मैं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। बता। कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं पता सर। बताता है कि नहीं? गुरु, नए एसीपी ने रिश्वत नहीं ली, ऊपर से हमारे आदमी को भी मारा। दादा को बोल दो उस ईमानदार ऑफिसर के बजाय दूसरे को अपॉइंट करो। वो ईमानदार नहीं है, वो बेईमानों से भी बड़ा बेईमान है। मतलब? तेरे सारे लीगल कामों में मुझे 50% शेयर चाहिए। तुम लोग बेझिझक अपने काले धंधे करते रहो, कोई बीच में नहीं आएगा। जिस तरह पहली तारीख को गवर्नमेंट सैलरी आ जाती है, उस तरह मेरी काली कमाई भी आ जानी चाहिए। और नहीं दूं तो? ना अरेस्ट, ना वारंट, ना बेल, ना होगी जेल, सिर्फ 99 रुपए की बुलेट और खोपड़ी आउट। जो तो हुन शेर आश्चे बीच धक बे। फिलहाल तो अपना दिमाग ठंडा रख, सही वक्त आने पर उसको देख लेंगे। जाओ और पहले उस तिवारी को ढूंढो।